यार इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो यार एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और यार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि यार हैकर को एक्सपोज़ किया है, कोई आसान बात नहीं है, तो यार थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है तो देख लेना यार। अस्सलाम वालेकुम भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो यार अगर तुम लोगों की ज़िंदगी पबजी में ठीक चल रही है तो यार मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि यार हैकर बहुत ज़्यादा मिलने लग गया। और इस वाले हैकर ने जिस तरीके से मुझे मारा है ना भाई साहब, बहुत गंदे तरीके से मारा है। आज की वीडियो गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली, आज की वीडियो में हम हैकर को एक्सपोज करेंगे और फाड़ के रख देंगे आज सब कुछ। तो अब मैं यहाँ पर गाड़ी लेकर बंदों को ढूंढ रहा था और यहाँ पर मुझे एक बंदा मिला जिसने यार बड़े गंदे तरीके से मुझे मारा है। अभी यहाँ पर एक बंदा मुझे मारेगा और तुम देखना यार कैसे गंदे तरीके से मारेगा वो मुझे। अब शायद तुम्हें इस हैकर की समझ ना आई हो, अभी मैं तुम्हें स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि इस हैकर ने किया क्या है। अब जैसे ही मैं गाड़ी लेकर यहाँ पे आया, गाड़ी से उतरने के बाद इस बंदे ने मेरे ऊपर प्री फायर देना शुरू कर दिया। मैंने कहा जैसे ही इस बंदे की गोलियाँ ख़त्म होगी, मैगजीन ख़त्म होगी, मैं इस बंदे को मारूंगा। लेकिन भाई साहब इसने पता नहीं कौन सी गंदी मैगजीन लगाई हुई थी, इसकी गोलियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी भाई। और जैसे मैं इसको मारने गया ना, और इसने पता नहीं अपनी कौन सा जादू किया, अपनी जगह से बिल्कुल साइड पर हो गया। अब जैसा कि तुम लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि बुरा करने वाले के साथ भी बुरा अंजाम होता है, और इस बंदे के साथ भी बहुत ही बुरा अंजाम हुआ। तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा इस बंदे के साथ क्या हुआ। अब ये बंदा काफ़ी देर से पूरे सर्कल में गाड़ी घुमाया जा रहा था और इसे वो कोई बंदा दिख नहीं रहा था। और जैसे ही इसे कोई बंदा दिखा ना, इस वाले घर में इस बंदे को फुटस्टैप आई है। मैं मानता हूँ कि घर में फुटस्टैप आते तो बंदा रुकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सीधा पुश कर दिया जाता है कि घर में के बंदा किस तरफ है। इतना तो बंदे को नहीं पता होता कि यार बंदा सीढ़ियों में खड़ा होगा। इस बंदे ने क्या किया, सीधा आया, उसे पता है कि सीढ़ियों पे बंदा खड़ा होगा, उसने सीधा सीढ़ियों पे गया और बंदे को ख़त्म कर दिया। मतलब यार पहले तो सीढ़ियों में जाकर देखा जाता है कि बंदा किस तरफ है, या फिर अगर बंदे के पास नेट वगैरह हो ना तो वो नेट करता है कि यार ये बंदा इस तरफ है तो इसको नेट से ही मारेंगे। लेकिन नहीं भाई, उसको पता है ये बंदा किस तरफ है, इसने सीधा पुश कर दिया। बुरा करने वाले के साथ भी हमेशा बुरा ही होता है, और वो घड़ी आ चुकी है जिसका मुझे और तुम्हें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, और वो है बैन होने का। और भाई साहब इस बंदे को स्पेक्टेड में कर रहा था और ये बंदा हो गया बैन। अब जैसे ही ये बंदा गाड़ी लेकर जाने लगा और जैसे ही इसने थोड़ी सी गाड़ी आगे की, और भाई साहब तभी ये बंदा हो गया बैन। और ये चीज़ देखकर मुझे इतना सुकून मिला ना भाई साहब, मज़ा आ गया। लेकिन फिर भी मैं इस बंदे को स्पेक्टेट कर रहा था कि ये बंदा मूव वगैरह करे, लेकिन भाई साहब इसकी हेल्थ ख़त्म हो चुकी थी, जून से ये बंदा मर चुका था, लेकिन भाई साहब इसने एक भी मूवमेंट नहीं की, मज़ा आ गया। A few moments later. A few inches later. मजाल है यार, ये बंदा हिले डुले कुछ भी करे, लेकिन नहीं यार ये तो बंदा बैन हो चुका है। सो यार अब ये चीज़ देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे हैकर की। अब मैं जॉर्जियोपोल से निकला हूँ सिर्फ 4 किल लेकर रोजोक की तरफ, ताकि मुझे और किल मिल सके। लेकिन भाई साहब रोजोक में मुझे एक हैकर मिला, उसने मेरे साथ बोट स्कैम किया। उसने M16A4 से मेरे साथ बोट स्कैम किया, उसके बाद यूजी थी, उसने यूजी से मारा मुझे, ना कि M16A4 से मारा मुझे। तुम देखो ज़रा क्या होगा, और वो भी यूजी से उसने मुझे मारा हेड शॉट पे। राजाई स्लोमो की न लाना है।
ओ भाई मारो मुझे मारो। नहीं यार यूजी में तो स्कोप भी नहीं लगती। यूजी में इस बंदे ने हेड शॉट पे मुझे कैसे मारा, और इसके पास M16A4 है जिस पे 4x लगी हुई है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने यूजी से मारा है, वो भी हेड शॉट पे। मैं नहीं मानता भाई, मैंने इस बंदे का पूरा गेम प्ले देखा है और तुम्हें भी मैं दिखाऊंगा ये बंदा कन्फर्म हैकर है। अब ज़रा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सामने की तरफ हो रही है फायरिंग। अब जैसे ये बंदा वहां पर पहुंचा, साइड पर खड़ा था एक बंदा, उस बंदे ने ज़रा भी फुटस्टेप नहीं किया, ज़रा भी फायरिंग नहीं करी, लेकिन फिर भी इस बंदे को पता है कि यार साइड की तरफ एक बंदा है, पहले उसे मारेंगे, वो भी यूजी से मारेंगे। स्कोप कहाँ पे खुद रही है और बंदा कहाँ पे है यार, ये कंफर्म हैकर है। अभी आगे जाके अभी मैं तुम लोगों को इसकी थोड़ी और प्रूफ दिखाऊंगा, ये बंदा कंफर्म हैकर है। उसके बाद ये बंदा गाड़ी लेकर आ जाता है सीधा ब्रिज पे, और इस बंदे को पता है कि यहाँ पर जो सामने गाड़ियाँ खड़ी ना, वहाँ पर एक बंदा है, और इस बंदे ने एग्जैक्ट वहीं पे स्कोप ऑन करी जहाँ पे बंदा है। अगर हम जैसे लौंडे हो ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आगे जाकर देखा जाता है कि बंदा है कि नहीं है, या फिर बंदा ध्यान से देखता है। ये तो अभी ठीक से ब्रिज पे पहुंचा भी नहीं है, इसको पहले पता चल गया कि भाई साहब उस गाड़ियों के पीछे बंदा है, और ये देखो यहाँ पर ये बंदा कैसे मारेगा। ये देखो, नहीं नहीं मारो मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब इस बंदे को मारने के बाद ये बंदा इस बंदे की क्रेट से M24 उठा लेता है, और उसी M24 से पानी में एक बंदा तैर रहा होता है। और इस बंदे को कैसे पता चला कि यार इतनी दूर, यार कैसे पता चला, उस बंदे ने तो फायर भी नहीं किया, उस बंदे को कैसे पता चला कि वो पानी में एक बंदा है। अब पानी वाले बंदे को मारने के बाद ये बंदा ब्रिज के इस तरफ लेट जाता है, और कुछ देर के लिए ये बंदा हो जाता है ऑफलाइन। मैं समझता हूँ यार ये बंदा शायद गेम छोड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं अभी भी इस बंदे को स्पेक्टेट कर रहा था, और कुछ ही देर बाद ये बंदा ऑनलाइन हो गया। और जैसे ये बंदा ऑनलाइन हुआ, इस बंदे ने गाड़ी उठाई और सीधा जैसे जाने लगा ना, अब ये बंदा अपनी लाइन पर सीधा जा ही रहा था। अब उस बंदे के रेंज में जैसे एक बंदा स्पॉट हुआ, उस बंदे ने फ़ौरन अपनी गाड़ी घुमाई और सीधा उस बंदे के पास चला गया। उस बंदे ने फायर तक नहीं करा, लेकिन फिर भी इस बंदे को पता है कि भाई साहब ये बंदा आराम से जा रहा है, और एकदम से गाड़ी मोड़ना, यार ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी मैं इस बंदे को रिपोर्ट करता हूँ, बैंड पाड़ के रख देंगे सब कुछ। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि बुरा करने वाले के साथ भी हमेशा बुरा ही होता है, और इस बंदे के साथ भी यार क्या ही गंदा स्कैम हुआ, मतलब यार मज़ा आ गया। ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या स्कैम हुआ इस बंदे के साथ। अब इस हैकर को बंदे स्पॉट हो रहे हैं, तभी ये बंदा स्कोप बार बार ऑन करके देख रहा है कि बंदा इस तरफ है, लेकिन इस बंदे के पास वॉल हैक नहीं है, जिसकी वजह से ये बंदा दीवार के आर पार गोली नहीं मार सकता। और जैसे ही इस बंदे को एक बंदा स्पॉट हुआ, अब तुम मुझे खुद ही बताओ कि एक डिब्बे में बैठे बैठे आराम सुकून से एक बंदा खामोशी से बैठा हुआ है, उस बंदे ने फायर तक नहीं करा, लेकिन ये बंदा फिर भी एग्जैक्ट वहीं पर स्कोप ऑन कर रहा है जहाँ पर बंदा है। अब यहाँ पे कौन जो इस छोटे से डब्बे में बैठे बैठे इतनी दूर बंदे को सपोर्ट कर लेता है। ये बंदा अभी भी वहीं पे स्कोप ऑन कर रहा है जहाँ पे बंदा है, और बंदा है उस हिल के पीछे, लेकिन फिर भी ये बंदा गोली मार रहा है कि यार पता लग ही जाए। उसके बाद पास गिरे एक ड्रॉप से ये बंदा ओग उठा लेता है, और इस बंदे के काम चेक करना, ये ओग से क्या करता है। अब ये वाला सीन देखकर कोई भी एक बंदा कह दे कि सामने तुम्हें बंदा स्पॉट हुआ था, बंदा सामने खड़ा ही नहीं है, तो ये बंदा किसको गोली मार रहा है मुझे ये बताओ। अब यहाँ पर तुम मुझे खुद ही बताओ कि स्मोक में से किस दिखता है कि सामने बंदा खड़ा है, लेकिन फिर भी ये बंदा स्मोक होने के बावजूद भी सामने गोलियां चला रहा है। अब यहाँ पर इस बंदे के साथ क्या ही गंदा स्कैम हुआ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा ये वाला सीन देखकर। आय हाय 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 हाय, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। अब जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ, शायद तुमने इस चीज़ को नोटिस ना किया हो, मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। हैकर के पास है ओग, दूसरी तरफ है उसके पास M24,
लेकिन फिर भी इन दोनों हैवी गन होने के बावजूद ये बंदा का 98 हेडशॉट से ख़त्म हो गया भाई साहब, मज़ा आ गया। अब इस बंदे को भी मैंने आखिर तक एक्सपेक्टेड किया था कि ये कंफर्म हो जाए कि ये बंदा भी कहीं हैकर ना हो, लेकिन कंफर्म था ये बंदा हैकर बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी किसी बंदे को स्पॉट किया जाता है ना, तो स्कोप ऑन करके पहले बंदे को ढूंढा जाता है, ना कि स्कोप ऑन करके एक जगह वहाँ पर, ना कि एग्जैक्ट वहीं पर स्कोप ऑन करता है जहाँ पर बंदा है। अब इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता कि बंदा किस तरफ है। तो इस बंदे ने लेफ्ट की तरफ पहले देखा कि कहीं वहाँ पर तो बंदा नहीं है, लेकिन लेकिन वहाँ पर बंदा नहीं था, बंदा था बिल्कुल सामने। अब इस बंदे को यहाँ पर पड़ी एक गोली, लेकिन अभी भी इस बंदे को पता नहीं है कि गोली कब पड़ी कहाँ से है। अब इस बंदे को अभी भी नहीं पता कि बंदा है कहाँ पे है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक फ़नी सी चीज़ दिखाने लगा, जैसे सुपर मारियो गेम में होता है ना कि बंदा उछल उछल के आगे जाता है, ये चीज़ यहाँ पे एक बंदा कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बंदे को स्पेक्टेड मैं कर रहा था, वो बंदा यार हार गया, क्योंकि उस बंदे को नहीं पता था कि यार बंदा किस तरफ है, और जैसे वो बंदा सामने आया, वो ये बंदा ख़त्म हो गया। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में मुझे तकरीबन 2 दिन लगे हैं, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता बनाने का, और सिर्फ मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में क्या हो जाएगा यार। मतलब यार लाइक मार दो, मतलब यार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक और न्यू चिकन डिनर में।